यूपी मांगे जवाब में आपका स्वागत है। हमारे साथ है कचना विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं पीयूष रंजन जी, संयुक्त प्रत्याशी हैं भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल के। आपका स्वागत है और बताइए, एकदम आखिरी चरण पे चुनाव है, अब कैसा देख रहे हैं माहौल आज योगी जी की सभा थी यहाँ पे, उसके बाद क्या माहौल आ रहा है? मुझे आप लोग को बताने की जरूरत है क्या? आप लोग खुद ही जो है चीजों के एनालिसिस करके जनता के बीच में रखते हैं, और आज जो भरोसा महाराज जी कचना के लोगों को दे के गए हैं, मैं उस भरोसे के भरोसे दम पे अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस भाई के रहते हुए इस बने हुए राजा का अंत होगा 27 तारीख को। आज आपने इतनी बड़ी जनसमूह ये महाराज जी को विश्वास दिलाने आई थी कि हम आपके नीतियों के साथ हैं और आपके भरोसे हम आए हैं और मेरी रक्षा करिएगा, उन्होंने वह वचन दे के गए हैं। पूरे प्रदेश की जो है आंख लगी हुई है कचना विधानसभा सीट पे, तो इस बार क्या वचन टूटेगा? 100% टूटेगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया। ये चुनाव पीयूष रंजन नहीं लड़ रहा है, ये हमारे क्षेत्र की कगड़ा पिछड़ा दलित गरीब नौजवान बेरोजगार वो सब लड़ रहा है कि मोदी जी योगी जी ने जो देना चाहा इस राजा के बेटे ने उसको रोक के रखा, उस रोकने की वजह से आज बदलाव होने जा रहा है। जनता की जो जीत है महिला कार्यकर्ता है, कैसा अभी माहौल है? पूरा बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सुरक्षित है, इस पर लग रही है आपको? महिलाएं किसी को वोट देने ही वाली नहीं है, महिलाओं का बड़ा भाजपा की तरफ रुझान हमने पहले भी दिखा चुके हैं जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव? अरे महिलाएं कहीं और वोट नहीं देगी, जो योगी जी मोदी जी ने उनके लिए किया इस बार वो वापस कर देंगे। घर के मुखिया हो गए भी, देख लीजिए इस बार सारी जनता जो है, सारी जनता इस बार उत्साह के साथ है। आखिरी चरण में चुनाव है और जो भीड़ दिख रहे थे इस बार हमने लाइव दिखाया आपको, यहाँ पे जो उत्साह है भाजपा कार्यकर्ताओं में, ये मेरा कार्यकर्ता उसके पीछे जो कारण होता है, दिव्यांग कार्यकर्ता है जो कि भाजपा, कैसा जोश है और कैसे माहौल चल रहा है चुनाव का, कुछ बोलिए। ठीक है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं इनका? हाँ, चुनाव प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जाके, तो सभी जगह अच्छा वो मिल रहा है, बहुत अच्छा। जो भाजपा 300 सीटें लेकर के आती है उसमें इस तरह के कार्यकर्ताओं की जो ये भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और अन्य पार्टियों से जो अलग करती है उसमें इस तरह कार्यकर्ताओं का योगदान जो होता है वो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सर जी, इस बार रंगलाल कोटार इस बार 350 को पार जाएगी। देखिए यहाँ से ये बोल रहे हैं 350 पार जाएगी, और यही चीज हम दिखा रहे थे, जनता में जोश है वो कहीं ना कहीं इस बार फिर से लग रहा है कि एक जो माहौल बना हुआ है उसको पूरा करता हुआ। जो काम आज तक बीजेपी ने कर दिया वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया, ना कर पाएगा। योगी मोदी जिंदाबाद। प्रकाश मिश्रा, जनमीडिया टीवी से कचना विधानसभा प्रयागराज, योगेश शुक्ला जी के साथ, धन्यवाद।